तो आज हम लोग GTA 5 के अंदर सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदने वाले हैं और आखिर में हमें एक ऐसी बिल्डिंग मिलेगी जो कि हमें स्पेस तक ले जाएगी। तो भाई जो हमारी सबसे पहली बिल्डिंग है जिससे हम लोग कूदने वाले हैं वो है ये मेज बैंक टावर। और भाई ये जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग तो नहीं है, पर भाई यार जैसे ही हम लोग इस बिल्डिंग से कूदेंगे हमें इससे भी ऊंची बिल्डिंग मिलेगी कूदने को। और भाई सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग यहाँ से नीचे कूदेंगे वो भी बिना किसी पैराशूट के। तो यहाँ पे 3, 2, 1 और ओ तेरी भाई, तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग कितने ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। और गया फ्रैंकलिन, ओ तेरी भाई। और भाई इस बिल्डिंग से कूदने के बाद हमारी इससे भी ऊंची बिल्डिंग अनलॉक हो गई है। तो भाई हमने जो है मेज बैंक टावर से भी ऊंची बिल्डिंग अनलॉक कर दी है। और ओ तेरी भाई, तुम लोग देख सकते हो यार ये बिल्डिंग तो पूरा स्पेस तक जाती है। तो चलो हम लोग जो है जल्दी से इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और हमें जो है इस बिल्डिंग के एकदम टॉप तक पहुंचना है और फिर वहां से जो है जंप लगाना है। लेकिन भाई यार दिक्कत ये है कि हम लोग उतना ऊपर तक जाएंगे कैसे यार। तो भाई हम लोग जो है यहाँ बिल्डिंग के पास आ चुके हैं। और भाई ये क्या यार, यहाँ पे तो जो है एक एरोप्लेन है। तो भाई मेरे ख्याल से यार हमें जो है इस बिल्डिंग के टॉप पे इस एरोप्लेन से चलना चाहिए, इससे भाई हम लोग जो है एकदम आराम से पहुंच जाएंगे। ओके तो यहाँ पे जो है हमें बस इस एरोप्लेन को टेक ऑफ करना है। और ओ भाई साहब, तो तुम लोग देख सकते हो कि हमने जो है यहाँ पे इस एरोप्लेन को टेक ऑफ कर लिया है। भाई यार ये बिल्डिंग तो काफी ज्यादा ऊंचा है यार, और तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग जो है यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और भाई जो प्लेन है वो भी जो है बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो रही है। और भाई मैंने आज तक यार इतना ऊंचा बिल्डिंग तो नहीं देखा यार GTA 5 में। तो चलो हम लोग जो है और ऊपर चलते हैं। तो भाई हम लोग जो है इस बिल्डिंग के एकदम टॉप तक पहुंच चुके हैं। और भाई अब हमें जो है यहाँ पे थोड़ी देर तक उतरना होगा। तो ओके हमें यहाँ पे आराम से लैंडिंग करनी है। और भाई ये क्या यार, प्लेन तो काम ही नहीं कर रहा। ओ नहीं, हमें यहाँ से कूदना होगा। ओके ओके भाई साहब, बाल बाल बचे यार। तो भाई बस हमें जो है थोड़ी दूरी और ऊपर तक कवर करनी होगी। तो भाई हमारी एरोप्लेन तो जल गई थी, तो इसी वजह से भाई माइकल से मैंने जो है इस हेलीकॉप्टर को मंगाया है। और भाई हम लोग इस हेलीकॉप्टर से इस टावर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे पहुंचने वाले हैं। ओके तो भाई हम लोग बस फाइनली इस टावर पे पहुंचने ही वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग जंप लगाते हैं और भाई बस यहाँ पे हम लोग ये पैराशूट को ओपन करने वाले हैं। तो भाई हम लोग क्या ये कर पाएंगे? ओके भाई बहुत खतरनाक है यार, हमें करना ही होगा। ओके किसी भी तरह, और बहुत सही भाई। तो चलो यार हम लोग जो है फाइनली इस टावर के एकदम टॉप पे आ गए हैं। और भाई एक बार हम लोग नीचे से नज़ारा देखते हैं। तो फ्रैंकलिन आराम से आगे की तरफ कदम बढ़ा। और ओ तेरी भाई, तुम लोग देख सकते हो यार कि कुछ भी एकदम नीचे साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो यार जल्दी से हम लोग इस टावर से भी कूदते हैं ताकि हम लोग उस टावर को अनलॉक कर पाए जो कि हमें स्पेस तक ले जाएगा। ओके तो यहाँ पे 3, 2, 1 और ओ भाई साहब, तो हम लोग यार कितने स्पीड से यहाँ से नीचे गिर रहे हैं यार। ओ नहीं नहीं भाई, बहुत ज्यादा खतरनाक है। और भाई ये क्या यार, हम लोग तो जो है इस टावर के अंदर से भी कूद सकते हैं यार। तो भाई मेरे ख्याल से यार हमें इस टावर के अंदर से कूदना चाहिए यार, हमें ज्यादा मजा आएगा। तो हम लोग यहाँ पे गिरते हैं। ओके ओके गिरने वाले हम लोग। ओ तेरी भाई, हमारा तो हालत खराब हो गया। तो भाई अब हम लोग इस टावर के अंदर से कूदने वाले हैं। और भाई तुम लोग देख सकते हो यार ये कितना ज्यादा गहरा है यार। और भाई हम लोग इसी में से कूदने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। और वो तेरी भाई, तुम लोग देख सकते हो यार कि फ्रैंकलिन का क्या हाल हुआ पड़ा है। ओके तो हमें अच्छे से बैलेंस बनाए रखना है। ओके संभाल। ओ भाई साहब यार, तुम लोग देख सकते हो हम लोग कितना ज्यादा ऊंचाई से कूद रहे हैं यार। और भाई जैसे ही हम लोग इस टावर से कूदेंगे वैसे ही हमारा जो है स्पेस तक जाने वाला टावर अनलॉक हो जाएगा। तो भाई तुम लोग देख सकते हो यार कि जमीन हमें दिख रही है और हम लोग बस जमीन से टकराने वाले है। ओ नहीं भाई, फ्रैंकलिन का तो बुरा हाल हो जाएगा। तो फ्रैंकलिन बस इस जमीन से टकराने वाला है और क्या होगा। ओ तेरी भाई,
भाई फ्रैंकलिन तो अभी भी जिंदा बच गया। और भाई ये क्या हो गया यार अचानक से? भाई लग रहा है हम लोग जैसे ही उस टावर से कूदे हैं वैसे ही भाई हमारा स्पेस तक जाने वाला टावर अनलॉक हो गया है। तो चलो भाई अब जल्दी से हम लोग स्पेस में चलते हैं। और भाई ये हम लोग कहाँ आ गए यार अचानक से? ओके तो हम लोग देखते हैं और ओ भाई साहब ओ तेरी यार हम लोग तो जो है स्पेस में आ गए हैं यार। मतलब कि भाई जो हमारा स्पेस टावर था भाई वो जो है अनलॉक हो चुका है और भाई हम लोग इस समय स्पेस में है। और भाई जो तुम लोग नीला नीला देख रहे हो वो जो है भाई अर्थ है और भाई हमारा स्पेस का टावर अनलॉक हो चुका है। तो भाई हम लोग फाइनली स्पेस में है। तो भाई तुम लोग क्या तैयार हो कि अब हम लोग इस स्पेस से भी नीचे कूदें? तो चलो यार अब हम लोग इस स्पेस से नीचे कूदने वाले हैं अर्थ के तरफ। तो यहाँ पे 3, 2, 1 और यहाँ पे हम लोग भाई फाइनली कूद चुके हैं। और भाई पता नहीं यार हमारा क्या हाल होगा यार अर्थ तक जाने में। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि पीछे के तरफ है सन और भाई हम लोग जो है एकदम अर्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं यार। और भाई स्पेस से तो अर्थ गजब ही लगता है यार देखने में। और भाई हम लोग जो है टाइमर भी सेट कर देते हैं और भाई देखते हैं कि स्पेस से पृथ्वी तक आने में भाई कितना टाइम लगता है। तो भाई तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग जो है फाइनली अर्थ के सरफेस में आ चुके हैं और भाई अब हम लोग जो है काफी तेजी से नीचे गिर रहे हैं यार। और भाई हम लोग को जो है अभी तक 40 मिनट हो चुके हैं स्पेस से अभी तक गिरते हुए। और भाई देखते हैं हम लोग कब तक नीचे चलते हैं। तो भाई अभी भी हम लोग जो है काफी तेजी से जो है जमीन की तरफ गिर रहे हैं। और भाई अब जो है पूरे के पूरे 1 घंटा हो चुका है हमें गिरते हुए और भाई शायद से अब हम लोग जो है जमीन को टच करने वाले हैं। और भाई अब हम लोग जो है यहाँ पे गिरने वाले हैं। और भाई साहब यार अभी भी हम लोग जो है जिंदा ही हैं। तो मतलब भाई स्पेस से पृथ्वी तक आने में पूरे 1 घंटे और 20 मिनट लग चुका है और भाई यार हम लोग उतना ऊंचा से जो है नीचे गिरे हैं लेकिन तब भी भाई हम लोग जो है जिंदा ही हैं। तो भाई यार तुम्हें आज की वीडियो में कौन सा टावर सबसे मस्त लगा कमेंट में जरूर बताना। और भाई अगर तुम्हें स्पेस के ऊपर और वीडियो चाहिए हो तो इस वीडियो पे 5000 लाइक्स करवा देना। तो चलो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड जय हिंद।